अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जिस भाई को भी शूट करवाना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उससे कॉल और मैसेज कर सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम है भिवंडी में और हमारे साथ है भाई अपना नाम बताइए। अमस। अमस। तो अमस भाई, ये भिवंडी में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन आयशा मेडिकल है, उसके बाजू से गली है। जैसे अपना गाला का रोलेक्स होटल पे भी आएंगे ना, वहाँ से फ़ोन करेंगे तो अपन पिकअप कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्म का नाम बताइए। रॉयल गोट फार्म। और रॉयल गोट फार्म पे हम, और कब से कर रहे हैं भाई? शौक तो बहुत जूना था लेकिन अभी कहता एक डेढ़ साल हो गया पूरा सेटअप बना के चालू किए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सेटअप जो है एक डेढ़ साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो फार्म होता है, ब्रीडिंग सेटअप होता है, पलाई होती है, सेलिंग होता है, क्या करते हो आप? पलाई कर रहे हो? प्योर पलाई करते हो? प्योर पलाई। तो कुछ माल मिलता तो लाके सेलिंग भी करते हैं। कर डालते हैं सेलिंग। ठीक है, तो ये है प्योर पलाई सेटअप रॉयल गोट फार्म। तो डेढ़ साल से ये सेटअप है, सेटअप दिखा देता हूँ। तो इसमें अंडोल खस्सी दोनों भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं पलाई का भी पूछ लूँगा इनसे। ये देखिए, नीट एंड क्लीन फार्म। वो इसलिए है कि अमाज भाई यहाँ पूरा टेक केयर आप ही करते हो, पूरी साफ़ सफाई। और भिवंडी में माशाल्लाह आपको इतना साफ सुथरा फार्म मिल रहा है बिकॉज अमाज भाई की मेहनत जो है पलाई पे चल रही है। तो अमाज भाई, अभी अपने पास फिलहाल कितनी है पलाई? 3000। और कितने बकरे हैं उसमें अभी? 7 बकरे हैं अभी पलाई पे फिलहाल। ठीक है, और जो है अभी स्पेस कितने बकरों का खाली है? अभी कम, इतनी जगह खाली है कि 15-20 बकरे और आ सकते हैं। माशाल्लाह स्पेस देखिए। तो ये पर्सनल आपका जो है खुद का टेंशन रहता है और आप जो है मतलब सुबह शाम इधर ही रहते हो? इधर ही रहता हूँ, दाना पानी साफ सफाई सब चीज़ मैं ही करता हूँ। बहुत अच्छा। तो अभी मतलब आपने ऐसा क्या मतलब अभी डेढ़ साल से कर रहे हो आप, तो आपने क्या मतलब ऐसा तैयार किया है बकरा जो लोगों को देखने लायक है, लोग देखेंगे तो आपसे मतलब इम्प्रेस हो जाए? वो कहब क्या उसको बकरा है? चलो दिखा देंगे आपको। दिखा देंगे? ठीक है, तो वो दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक और बार फार्म का टूर दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह स्पेस देखिए, और ये पूरा जो इनका फीडिंग का है, पानी का है, कंटिन्यू पानी है इधर, और जो है साफ सफाई आप खुद देख सकते हैं। तो भिवंडी में आपको इतना साफ सुथरा फार्म पलाई पे अभी अवेलेबल है। तो जो स्टार्टिंग जो है 15 लोगों के लिए ऑफर रहेगा कि आप जो है आ सकते हो और भिवंडी से लेके भिवंडी में ही पलाई कर सकते हो रॉयल गोट फार्म पे। ठीक है, तो अमास भाई चलते हैं बाहर और लोगों को जो है आपकी तैयारी किए हुए बकरे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। तो रॉयल गोट फार्म की शान जो है वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, उससे पहले जो है बकरे कुछ है वो 6 बकरे दिखाएंगे और 7वां लास्ट में दिखाएंगे जो आपकी शान है। और माशाल्लाह आपने जो तैयार किया है लोगों को पसंद भी आएगा। ठीक है, इसका डिटेल लीजिए, कब से है अपने पास ये? भाई इसको अभी 12 तारीख को तीसरा महीना होएगा और जब कुछ आया था 35-36 kg पे, अभी कुछ 48-49 kg पे। माशाल्लाह, मतलब 5 किलो का गेन, 5.5 किलो गेन ऐसे मिल रहा है आप? ठीक है, तो 4 सेल्फ फीडिंग पे भाई 4-5 किलो का गेन बहुत बड़ी बात है। अगले साल तुम्हारे चैनल पे ये लॉन्च होएगा। अच्छा, अगले साल के लिए तैयार हो रहा है, क्या बात है। तुम्हारे चैनल पे 2 बकरे बहुत नया तुम्हारे चैनल पे लॉन्च होंगे अगले साल इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। तो ILU एंटरटेनमेंट पे जो है नेक्स्ट ईयर ये लॉन्च होने वाला है और अभी जो है इसका वेट जो है 48 तक बता रहे हो? 48 पकड़ो माशाल्लाह। ठीक, क्या दाते अभी?
जस्ट दो कर रहे हैं। तो उरूज जब इसका आएगा तो देखने लायक रहेगा। तो कुछ नाम रखे उसका? उरूज। अरे क्या बात है। तो ये जब अपने उरूज पे आएगा तो उरूज को देखने लायक रहेगा। क्या देखो इतने साफ सुथरा भाई। नहलाए कैसे? मतलब नहलाते कब को? दो बार हफ्ते में। ये है पर्सनल केयर भाई, माशाल्लाह। हफ्ते में साफ सफाई भी आपको हफ्ते में दो बार मिलेगी। क्या सब चमक रहा है देखो ना बच्चे, मतलब ऐसा लग रहा है क्या जो है डेली नहा रहा है और एकदम चमक रहा है, बहुत अच्छा। तो दूसरा दिखा देते। तो अमाज भाई क्या डिटेल है? ये अदंत बच्चा है भाई। अदंत बच्चा है, क्या बात। इसको भी तुम्हारे चैनल पे अगले साल लॉन्च करेंगे। तो ILU एंटरटेनमेंट पे लॉन्च होने वाला है ये। क्या नाम दिए इसका? शेरा। तो शेरा भी लॉन्च होने वाला है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहना ILU एंटरटेनमेंट पे, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जब इसका उरूज आएगा और जो शेरा आएगा तो देखने लायक रहेगा। तो ये कब से है अपने पास अभी? ये अभी 16 तारीख को आया। 16 तारीख को, तो ये तो अभी वक्त है, इसको सेट होने में टाइम ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। ये देखो ना बाल आपने कटाया ये। हाँ। ठीक है चलेगा। दूसरा दिखाते। नमाज भाई गुजरी। हाँ क्या बोले, कब आए ये? आगे 4 महीना हो गया भाई। 4 महीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कितने पे आया था? ये तो आया था 25-28 kg पे। ठीक है 25। वजन किए थे इसको तो फरवरी में, 40 kg बता रहे हैं। माशाल्लाह मतलब 6-7 kg ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रिंकल देख लो अभी से, माशाल्लाह ये रहे। चीज है भाई, नज़र आ रही है मेहनत आपकी, नज़र आ रही है साफ सुथरा बकरा, चमकता हुआ बकरा, ये होती है मेहनत भाई। रिंकल देख लो भाई बहुत अच्छा। तो अंडुल बकरे को इतना साफ रखना भाई अमाज भाई, ये आप ही कर रहे हो। मैं तो अंडुल बकरे का देखो देखो उरूज चालू है, उसका काम चालू है। ठीक है ये नस खोल देंगे तो कोई संभाल नहीं पाएगा भाई, ये भी गारंटी। सही है। तो मेहनत लगती है भाई, और पलाई पे रखना है आपको रॉयल गोट फॉर्म पे, तो नंबर है डिस्प्ले में, आप ले के लाओ इधर, और माशाल्लाह रिजल्ट जो है हमारे अमाज भाई देंगे। ठीक है अब इसका डिटेल बताइए, कब आया ये भाई? इसका भी तीसरा महीना चालू है, 12 तारीख को तीसरा महीना होएगा। अच्छा 20-22 kg पे आया। ओके तो 35 प्लस ये प्लस है। चिमक 5-6 kg का गेन तो अल्हम्दुलिल्लाह आ ही रहा है हर बकरों में। कोई ऐसा बकरा हुआ है जो रिवर्स हुआ है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं? बकरा एक नगीना और तो भाई वो चले गए न्याज के लिए कटने नहीं, तो उसको भी अपन वो करते। अच्छा तो वो जो है किसी ने मन्नत में रखा था क्या? ठीक है चलेगा। देखिए खूबसूरती देखिए, चीज़ देखिए। तो रॉयल गोट फार्म पे आपको सफाई देखिए पहले, आप बकरे का पीछे दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए सफाई देखिए, आपको ज़रा भी पीलापन नहीं नज़र आएगा, बिकॉज हमारे अमाज भाई जो है रॉयल गोट फॉर्म पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दूसरा दिखाते। तो अमाज भाई, हाँ भाई। क्या बोलते, कब आए? ये भी वो कोटे की जोड़ी गई है। अच्छा मतलब साथ में है? साथ में दोनों एक ही पार्टी गए। तो नस्ल कौन सी बोलेंगे इसको? मालवा में बोलेंगे। मालवा ना। हाँ। अल्लाह की माशाल्लाह खूबसूरती देखो ना। तो इसके जो है रिजल्ट भी 4-5 kg आ रहा है। अभी क्या वजन पड़ेगा ये? फिर तो आया कितने पे था? 28। ठीक है माशाल्लाह, तो गेन ही हो रहा है। तो ये क्या है? ये भाई झगड़ा करके ना उसको मार लगा, बहुत लड़ाई करते हैं। लड़ाई किया तो उसको मार लग गई। तो ये जो मार होती है जो बकरा मेडिसिन का होता है तो पलाई में ही आता है क्या? आप एक्स्ट्रा लेते हो? नहीं पलाई में। पलाई में ले रहे हो, क्या बात है। ये देखो अब ये थोड़े दिन में सही हो जाएगा, सही तो इंशाल्लाह वो भी। हाँ वो तो ऑलमोस्ट सूखेगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पलाई में लेना वो बड़ी बात है, बिकॉज इसका चार्जेस कोई हर कोई अलग अलग ले लेता है। ठीक है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल गोल्ड फॉर्म पे आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा पलाई के साथ फ्री, बहुत अच्छा। एक पीछे दिखा दो, ये देखो तो साफ सुथरे देख सकते आप बकरे, माशाल्लाह चमक रहे रॉयल गोल्ड फॉर्म पे। ठीक है दूसरा। तो अमाज भाई क्या बोलते हैं, नस्ल बताइए। गुजरी, वाइट गुजरी। वाइट गुजरी, क्या बात है। कब, क्या डिटेल इसकी? ये बकरीद के टाइम आया था अपने इधर, कुछ 16-17 kg का था। बकरीद के टाइम पे आया? ये अपना बकरीद जो है ना, माशाल्लाह 16-17 kg का था ये, और अभी कम से कम 50 kg का होना चाहिए। 50 kg अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गेन किया है भाई। क्या दांत पे अभी है? दो अभी कर रहा है। क्या बात है,
तो ये है रॉयल गोल्ड फार्म भाई। छोटे बच्चों को भी आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा करके मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इसकी हयाती रखी थी और आज जो है ये खड़ा है अच्छे खासे वजन में, अभी दो दांत किया भी नहीं है। ये बकरों के बाद आ चुका है रॉयल गोल्ड फार्म की शान। क्या बोलते हैं अमास भाई, क्या चीज़ लेके आ गए, जो है आपके सामने। क्या डिटेल पे आया था वो बताइए पहले। भाई ये अदन बच्चा आया था 35 केजी पे, अभी इसको 14 महीना हो गए। अदंत बच्चा आया था 35 केजी पे और अल्हम्दुलिल्लाह इसको 14 महीना हो चुका है और जो है ये टच करने जा रहा है मेरे ख्याल से, क्या वजन रहेगा? 95 प्लस, क्योंकि 2 महीना पहले 90 था और सही से अगर इसको खिलाए खड़ा कर तो 100 ही जाएगा, मेरा जजमेंट बता रहा है। माशाल्लाह बच्चा देखो, पूरा पिंक बच्चा है भाई, क्या चीज़ है। ये वेट पे मेंटेन करना सेल्फ फीडिंग, ये देखो सेल्फ फीडिंग, क्या दांत पे है ये, छह सही है माशाल्लाह। खूबसूरती देखिए, बकरा देखिए, थोड़ा ऊपर करो फिर, यार तुमको छुपा दिया इसने पूरा सही है, घोड़े जैसा है भाई, रुकता नहीं, क्या बात है। खसी खसी ठीक है, तो बोल देखो ना भाई, क्या बात है, ये देखो। एक्चुअली ये वेट पे मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन रॉयल गोल्ड फार्म पे हमारे अमानस भाई की पर्सनल केयर है तो ये आप लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं माशाल्लाह। क्या हाइट रहेगी इसकी? हाइट तो नापे नहीं भाई, नापे नहीं है। 39 ही समझो माशाल्लाह। देखो घोड़ा देखो, उसका शेप देखो कैसा निकला है। तो क्या खिला रहे हो बताओ पहले भी? दाना खिला रहे भाई। दाना में क्या क्या देते हो? हरी पत्ती है, गेहूँ है और पत्ता है अपना बड़गा मऊ का। ओके, तो ये सारी चीज़ें मतलब डेली रूटीन में पत्ता खिला रहे हो? हाँ पत्ता। ठीक है, तो खाने में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो है भिवंडी में रॉयल गोल्ड फार्म पे। तो ये कैसे है ना, आदमी को देख के समझ में आ जाएगा आदमी खाने पिलाने में कमी है क्या कोई। सही है, तो फार्म में आओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, बात करोगे तो क्या रॉयल गोल्ड फार्म पे क्या खिला रहे हमारे अमाज भाई। ये देखिए तो ऐसे रिजल्ट आता है और ये 14 महीने से इधर है और ज़रा भी आपको जो है लाल नहीं नज़र आएगा। देखिए मुंबई वाले भाई है, हाँ किस्मत भाई कहते, मुंबई वाले भाई क्या नाम है? किस्मत भाई, भाई। हाँ ये बकरा उनका है, वो एक बकरा है ना वो भी उनका। अच्छा, ये जो दोष क्या नाम रखे थे इसका? शेरा जो लॉन्च होने वाला है, तो इसने ये उनने जो भाई ने ये रिजल्ट देख के एक और बकरा आपको पहुंचा दिया। भाई के 4 बकरे और थे अपने पास। अच्छा, सब ऐसे रिजल्ट पे गए तो उनकी फोटो वीडियो लगेगी तो वो भी अपन दे देंगे। क्या बात है, अभी अपने पास तो मतलब पुराने क्लाइंट जो है आपके, हाँ। वो कंटिन्यू जुड़े बिकॉज आप उनको रिजल्ट दे रहे हो, ये बात है। तो आप लोग भी आइए बिकॉज पर्सनल केयर है, कोई यहाँ जो है काम वाला नहीं है भाई, हमारे अमास भाई खुद ही मेहनत कर रहे ताकि अच्छा रिजल्ट दे सके। ज़बरदस्त, ये देखो थोड़ा चला दो उसको, क्या बात है, ज़बरदस्त। आप देखोगे ज़रा भी गंदा नहीं है बकरा माशाल्लाह। ये होती है क्वालिटी, ये है चीज़। छो इधर लेके आ जाओ, ये देखिए सही है। तो अमास भाई माशाल्लाह आपकी मेहनत भी देखी और आपके बकरों का रिज़ल्ट भी देखा, क्या आप क्या रिज़ल्ट कर रहे हो, क्या मेहनत कैसी है, आप लोगों को जो है चीज़ बना के माशाल्लाह मेहनत करके दे रहे हो और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो क्या ऑफ़र देना चाहते हो आप वो बताइए। अगर अभी कोई बकरा लाता है 3 महीने की एक साथ पलाई देता है तो 8,500 रुपये ले लोगे। 8,500 रुपये पलाई आपको 3 महीने की रॉयल गोल्ड फार्म पे मिल रही है, क्या बात है। अभी बकरी तक तो ये एक ये बकरी तक ये ऑफ़र है, हाँ। और जो नेक्स्ट जो उसके बाद बकरीद के ला के आपको देगा, जो एक साथ मतलब बकरे वो बकरा लाके छोड़ दिया और बोला नेक्स्ट बकरे इतना मैं जो है यहाँ से लेके जाऊँगा, ठीक है, उसके लिए क्या ऑफर रहेगा? अगर वो एक साथ पेमेंट देंगे ना पूरे साल का तो 2500 रुपये के हिसाब से लेंगे। क्या बात है, तो एक साथ जो है पेमेंट देंगे रॉयल गोल्ड फार्म पे, जैसा अभी जो है मेरे ख्याल से वो 14 महीना 15 महीना बाकी रहेगा, ठीक है, तो एक साथ आप अभी से दोगे
तो एक साथ दोगे तो 2500 रुपया, या बकरा ईद होने के बाद 12 महीने की दोगे तो भी 2500 रुपया, 2500 रुपया, ठीक है बराबर, एक साथ पेमेंट वन टाइम। बहुत अच्छा, तो एक साथ पेमेंट दोगे तो आपको ऑफर मिल रहा है रॉयल गोल्ड फॉर्म पे। बहुत अच्छा, तो ये तो हो गया पूरी डिटेल, और कुछ कहना चाहते हो ILU पे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आ रहा है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल को आगे बढ़ाओ। जज़ाकल्ला। तो अमाज भाई, हमारे भाइयों का इंट्रोडक्शन दीजिए। ये अवेश भाई है, ये अनस भाई है। अच्छा, वालेकुम सलाम, खैरियत है भाई लोग? तो क्या मतलब हमारे रॉयल गोल्ड फार्म की टीम है, आपके दोस्त लोग है, क्या है? दोस्त लोग है जो फार्म पे कंटिन्यू आ रहे हो? हाँ, आते रहते हैं, दो चक्कर तीन चक्कर आते रहते हैं दिन में। यार भाई, रात में भी भागे। सही, तो कैसा मतलब भाई का रिजल्ट क्या है, काम कैसे कर रहे? मेहनत करते भाई अपने, रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। सही, तो आपका भी शौक बढ़ा के नहीं बताओ? यार देख के बढ़ ही रहा है शौक, बढ़ रहा है। तो आपने कुछ रखे अभी पलाई पे? नहीं अभी, इंशाल्लाह रखना है। पाड़ा रखते हैं? पाड़ा, ओके ओके। पाड़ा भी करते हैं भाई? अच्छा, आप रखोगे? जी, पिछले साल पाड़ा रखे थे भाई के पास पलाई में, माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा था। ओके, एक महीने में अच्छा गेन किए, वेट गेन अच्छा हुआ था। तो सफाई माशाल्लाह अच्छी दिन में, मैं पूरा फार्म नीट एंड क्लीन, भिवंडी में आपको इतनी साफ सफाई मिल रही है माशाल्लाह रॉयल गोल्ड फार्म पे। तो ये होता है बकरे का टेक केयर। तो आप देखे बकरों में, देखा कोई लालपन नहीं है, कोई दाग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बकरे एकदम साफ सुथरे, ठीक है। तो और कुछ कहना है भाई के लिए? चलिए, तो वीडियो क्लोज करेंगे, ठीक है। करो अपने भाई को, सही है, सपोर्ट करो ILU एंटरटेनमेंट को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जजाक अल्लाह भाई, जजाक अल्लाह, और ऐसी मोहब्बत रखो भाई, और हम भी काम करते रहेंगे, लोगों को शौक कराते रहेंगे, ठीक है। वीडियो क्लोज करते हैं भाई, नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों को शौक कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ भाई।